पाकिस्तान ने पहले तो कश्मीर पे ग्राउंड लूज किया है, उसके बाद इन्होंने गिलगित बल्तिस्तान पे भी ग्राउंड लूज कर रहे हैं। अब वो पहले कह रहे थे कि ये कह रहे थे कि हमने कश्मीर लेना है, तो अब कह रहे हैं कि हम कश्मीर तो हमारा था ही, ठीक है, इंडिया वाले अब ये कह रहे हैं। हाँ, अब हम गिलगित बल्तिस्तान भी लेंगे और बलूचिस्तान को हम आज़ादी भी दिलवाएंगे। तो आपने कोई भी ऐसी चीज़ नहीं देखी होगी कि चाइना ने एज अ स्केपगॉट बनाया पाकिस्तान को इंडिया के अगेंस्ट यूज़ करने के लिए? इंडिया और पाकिस्तान, हम 1965 में वॉर हुई थी, चाइना ने हमें सपोर्ट किया था, हम उस चीज़ को ओवरलुक नहीं कर सकते। तो बेसिकली जितनी भी अभी डेवलपमेंट्स हुई हैं, मैं नहीं समझता कि चाइना पाकिस्तान को यूज़ कर रहा है। इवन पिछले दिनों कोई रूमर्स थी डिफॉल्ट की पाकिस्तान की, और चाइना ने पाकिस्तान को डिपॉजिट दिया एक बहुत अच्छा, वो एक किस्म का इंसेंटिव था हमारी इकॉनमी के लिए। ये जो इनके ऑथर हैं इस बुक के, इनका क्या नाम है? इंडियन ऑथर है, तिलक देवाशेर हैं, इंडियन ऑथर हैं। इनकी 4 बुक्स हैं। इनकी कितनी बुक्स हैं? इनकी 4 बुक्स हैं, एक पश्तूनी हिस्ट्री पे है, एक बलोचों की हिस्ट्री पे है, और इसके अलावा 2 बुक्स हैं इनकी, एक फॉरेन पॉलिसी के रिलेटेड आई थिंक। हमारे यहाँ पे तो ये कहा जाता है कि इंडिया में जो होता है, जो पाकिस्तान के रिलेटेड जो भी कोई बात लिखता है या खबर करता है या कोई बुक लिखता है, तो वो ऑथेंटिक नहीं होती। आप इसे ऑथेंटिक समझ के पढ़ रहे हैं या फिर एक नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं? आप समझते हैं कि इसके अंदर जो लिखा है वो हिस्ट्री रियल है? वो रियल है हिस्ट्री, ये तो पाकिस्तानी ऑथर्स भी इसका, ये आप इसकी बैक पे देख सकते हैं, यहाँ पे रिव्यूज नहीं लिखे हुए लेकिन काफी पाकिस्तानी ऑथर्स ने इस बुक को रिकमेंड किया हुआ है। इंडिया आज मैं समझता हूँ कि एक सेकंड टाइगर है एशिया के अंदर। पाकिस्तान की तो एग्जिस्टेंस नहीं है, आप देख लें यार, पाकिस्तान इकोनॉमिकली बहुत वीक है, वर्ल्ड इज ऑल अबाउट इकॉनमी। एक ब्रिटेन प्राइम मिनिस्टर थे डेविड कैमरॉन, उन्होंने एक दफ़ा कहा था कि इट इज़ इकॉनमी विच इज़ गोइंग टू डिटरमाइन एवरीथिंग। तो इकोनॉमिकली जब तक पाकिस्तान स्ट्रेंथन नहीं होता है, तो पाकिस्तान की कोई डिप्लोमेसी की कोई वर्थ नहीं है इंटरनेशनल वर्ल्ड में। वो तो इंडिया वाले तो आपको कंसीडर ही नहीं करते, वहाँ पे तो मर्सिडीज़ बन रही है जो इलेक्ट्रिक चार्ज पे मर्सिडीज़ है, 890 किलोमीटर वो एक चार्ज पे 850 किलोमीटर वो एक चार्ज में कवर करेगी। और पाकिस्तान में यहाँ पे इंडस्ट्रीज बंद हो रही हैं, यहाँ से जो ऑटोमोबाइल कंपनीज हैं वो यहाँ से बाहर जा रही हैं। बाहर इसलिए जाएंगी क्योंकि कंट्री तो डिफॉल्ट होने वाला है। नहीं लगता कि चाइना पाकिस्तान को यूज कर रहा है, ये क्वेश्चन है। उसके बाद जो मेन टॉपिक है उसकी तरफ देखें, इट इज़ टू अर्ली टू कमेंट कि चाइना पाकिस्तान को यूज़ कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कि कंटेम्प्रेरी डेवलपमेंट्स अगर हम अपने सामने रखें, तो राइट नाउ जो पाकिस्तान को इकोनॉमिक बूस्ट मिल रहा है वो चाइना की तरफ से मिल रहा है। हमारी इकॉनमी बूस्ट हो रही है, ओबियसली बूस्ट हो रही है टू सम एक्सटेंट, के सीपैक के थ्रू हमने डेवलपमेंट देखी है, रोड्स आई इस कंट्री के अंदर, काफ़ी चीज़ें देखी है, पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं। ये पॉजिटिव जो हैं चीज़ें उनको भी हमने सामने रखना है, लेकिन थोड़ा सा ये देखा जाए, अगर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट किसी भी कंट्री के, दो कंट्रीज़ के रिलेशन होते हैं वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पर भी बड़ा डिपेंड करते हैं। हम कितनी इंपोर्ट कितनी कर रहे हैं और बदले में एक्सपोर्ट कितनी दे रहे हैं? बात आपकी चाइना की बात कर रहे हैं। बात आपकी बिल्कुल ठीक है, चाइना एक इमर्जिंग पावर है, अभी वो कम्पीट कर रहा है फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री बनने के लिए दुनिया में, लेकिन आपको ये चीज़ सामने रखनी पड़ेगी कि पाकिस्तान खुद क्या कर रहा है। अब चाइना तो हमें हर चीज़ प्रोवाइड नहीं कर सकता, अगर आप अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करें, आपकी इम्पोर्ट्स एक्सपोर्ट्स बढ़ें, तो चाइना को आप भी काउंटर कर सकते हैं तो सम एक्सटेंट। ठीक हो गया है, इस चीज़ से मैं एग्री करता हूँ, लेकिन इसमें यह है कि अगर उन वो हमारी मार्केट के ऊपर असरअंदाज होंगे, उनकी वजह से हमारी मार्केट खत्म होगी, तो हम कहीं ना कहीं यही सोचेंगे, लोकल इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, अगर वो उनकी वजह से अगर असरअंदाज होगी यही सोचेंगे हम लोग, तो कि यार कहीं ना कहीं उनकी वजह से नुकसान हो। देखेंगे मार्केट में होता है कंपटीशन, ठीक है, तो कम्पीट हमें भी करना पड़ेगा। तो अगर जिस तरह आप जापान के एग्जांपल ले लें, यूएस के एग्जांपल ले लें, तो बेसिकली कंपीट कर रहे हैं। अगर हम कंपीट ही नहीं करें तो हम किस तरह कह सकते हैं कि चाइना में अफेक्ट कर रहा है? ठीक हो गया। अच्छा, अभी खबर ये है कि चाइना के डिफेंस मिनिस्टर इंडिया के हैं, एससीओ की मीटिंग चल रही है, आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, आपको पता होगा एससीओ की मीटिंग चल रही है, पाकिस्तान इज आल्सो इनवाइटेड देयर। बिल्कुल, लेकिन अजान, अच्छा अजान की वजह से हमने ब्रेक की। अभी डायरेक्ट सवाल की तरफ आते हैं, जो मेन टॉपिक है उसकी तरफ आते हैं, चाइना के डिफेंस मिनिस्टर एससीओ की मीटिंग जो कि इंडिया में हो रही है, आपको आइडिया होगा, पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, ठीक है, वो वहाँ पर गए हैं और वहाँ के इंडिया के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उस तरीके से उन्होंने वेलकम नहीं किया जैसे दूसरे डिफेंस मिनिस्टर, दूसरी कंट्रीज़ के डिफेंस मिनिस्टर आए हैं, प्रॉपर हैंडशेक किया दूसरों के साथ, लेकिन चाइना के साथ नहीं किया, एक एग्रेसिव कह लें कि उन्होंने अपना गेस्चर दिया। क्या आपको लगता है कि अभी इस तरीके से इंडिया अपनी जो टेरिटरी को लेकर बहुत सीरियस हो चुका है लद्दाख के मामले में और इस तरीके से? नहीं, बात आपकी ठीक है कि आपको ये चीज़ रखनी पड़ेगी कि अभी दो टाइगर्स की लड़ाई है, दो बियर्स हैं ये एशिया पैसिफिक में, इंडिया और चाइना के अंदर, तो ओबियसली इंडिया इज़ बैक्ड बाय द यूएस इन दिस केस, तो चाइना अपने आप पे कर रहा है, वो डिफरेंट कंट्रीज़ को मिला रहा है। इवन आप देखें कि ब्रिक्स में इंडिया और चाइना दोनों मेंबर्स हैं आपस में, जो एक आप कह सकते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको पर्पस डिफरेंट से है उनके, तो मैं ये कहूँगा कि बहुत कंट्रीज़ कम्पीट कर रहे हैं, तो ये चीज़ नॉर्मल है। आपको लगता है कि यूएस की बैक के या यूएस की वजह से इंडिया जो है इस तरीके से अपना? ऑब्वियसली यार, ये तो बड़ी क्लियर चीज़ है कि एक वॉर लाइक एक्टिविटी है एशिया पैसिफिक में, और बिकॉज ऑफ किसकी है? वो यूएस की वजह से, यूएस अपना एलाई ढूंढ रहा है। ठीक है, ये जो
जो सारी कंडीशन है, सिचुएशन है, इसमें पाकिस्तान का क्या रोल है? अभी खबर साथ ये भी आई है कि चाइना ने जो अपने मिलिट्री टाइज हैं पाकिस्तान के साथ वो एक्सटेंड करने का फैसला किया है, शायद अब अफगानिस्तान में जो अपना वो कुछ लेकर जा रहे हैं, प्रोजेक्ट्स लेकर जा रहे हैं, उसको डिफेंस करेंगे या सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे पाकिस्तान की आर्मी। तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं इस मामले में, इंडिया के मामले में, अगर चाइना की इंडिया के साथ कोई कन्फ्लिक्ट होते हैं तो आगे वो पाकिस्तान को करता है, यूज़ पाकिस्तान होता है? मेरी एक ये क्वेश्चन है। देखें, एज ऑफ नाउ आपने कोई भी ऐसी चीज़ नहीं देखी होगी कि चाइना ने एज अ स्केप गॉड बनाया पाकिस्तान को इंडिया के अगेंस्ट यूज़ करने के लिए। इंडिया और पाकिस्तान, हम 1965 में वॉर हुई थी, चाइना ने हमें सपोर्ट किया था, हम उस चीज़ को ओवरलुक नहीं कर सकते। तो बेसिकली जितनी भी अभी डेवलपमेंट्स हुई हैं, मैं नहीं समझता कि चाइना पाकिस्तान को यूज़ कर रहा है। इवन पिछले दिनों कोई र्यूमर्स थी डिफॉल्ट की पाकिस्तान की, और चाइना ने पाकिस्तान को डिपॉजिट दिया एक बहुत अच्छा, वो एक किस्म का इंसेंटिव था हमारी इकॉनमी के लिए। तो जब कोई ऐसी डेवलपमेंट हुई तो तब इस चीज़ के बारे में कमेंट करेंगे। तो वैसे भी किसी चीज़ को परसीव करना पहले, तो इट्स नॉट समथिंग गुड यार। आपका ओपिनियन है और मैं इसे एग्री करता हूँ कि हर एक अपनी अपनी ओपिनियन है, कोई एग्री डिसएग्री कर सकता है। मुझे बताएं कि पाकिस्तान का अगर इंडिया के साथ रिलेशंस की बात करें, मैं समझता हूँ पूरी दुनिया में कोई ऐसा कंट्री नहीं जिसके साथ रिलेशन बेहतर करना इस टाइम पाकिस्तान को जरूरी है जितना इंडिया के साथ। ठीक है, एग्री करते हैं? जी, टोटली एग्री करता हूँ। अभी SEO की मीटिंग में हमारे डिफेंस मिनिस्टर क्यों नहीं गए? यार वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है, हिस्टोरिक जाना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल जाना चाहिए। देखें आप US और चाइना कितने बड़े राइवल्स हैं, कितने बड़े राइवल्स हैं। डिस्पाइट दिस उनकी आप ट्रेड फैक्ट्स एंड फिगर्स आप निकाल के देखें तो वो किधर जा रहे हैं। पाकिस्तान और इंडिया का रिलेशनशिप तभी मेंड हो सकती है जब हमारी इकोनॉमिक इंगेजमेंट होगी। जब इकोनॉमिक इंगेजमेंट होगी आप देखेंगे जो पाकिस्तान और इंडिया का पोटेंशियल कितना और वो ट्रेड कितना कर रहे हैं। भाई यही बात मैं पहले करना चाह रहा था, वो आप खुद उस बात पे आए हैं। मैं यही समझाना चाह रहा था कि खुद वो रिलेशन भी बनाए हुए हैं, ट्रेड भी कर रहा है, इंडिया के साथ भी ट्रेड कर रहा है, और फिर पाकिस्तान को वो आगे कर देते हैं। यही मैं सवाल, आपने बोला नहीं यूज़ नहीं कर रहा, मैंने इस एंगल से देखें ये बहुत बड़ी पॉलिटिक्स है, ये वर्ल्ड में एक आप कह सकते हैं पावर पॉलिटिक्स चल रही है। ठीक है, इसको इस तरह नहीं देखना है कि आप जिस तरह जो कह रहे हैं कि ये है वो है वो है। जो कंट्री स्ट्रांग है वो अपने अलायंस बनाएंगे, वो फर्दर ग्रो करेंगे। ये सिंपल चीज़ है, बड़ा ये इंटरनेशनल रिलेशन में बड़ी क्लियर कट चीज़ है। ठीक हो गया। लास्ट में ये बता दें, पाकिस्तान को न्यूट्रल होने की रहने की जरूरत है या नहीं? मतलब पाकिस्तान को, पाकिस्तान की पब्लिक का सोचने की जरूरत है या चाइना का, US का, रशिया का, इंडिया का सोचने की जरूरत है? देखें न्यूट्रल रह, जो पब्लिक इंटरेस्ट है उसको आप ओवरलुक नहीं कर सकते, और फिर आपका नेशनल इंटरेस्ट है उसको आप ओवरलुक नहीं कर सकते। जो चीज़ पाकिस्तान को फेवर करती है वी शुड गो फॉर दैट थिंग, जो चीज़ नहीं फेवर करती है ना करें आप, सिंपल। जबरदस्त। इंडियन की फॉरेन पॉलिसी और पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी में कोई फर्क है? अगर है तो क्या है आपके? यार कोलोसल डिफरेंस है यार। इंडिया ने रिसेंटली अपनी मर्सिडीज बनाई है जो इलेक्ट्रिक है, और पाकिस्तान स्टिल वी हम ट्रेडिशनल आइडियाज में फंसे हैं, तो हमें इन चीज़ों को ओपन करना पड़ेगा। तो बहुत बड़ा फर्क है। इंडिया आज मैं समझता हूँ कि एक सेकंड टाइगर है एशिया के अंदर। पाकिस्तान की तो एग्जिस्टेंस नहीं है, आप देख लें यार, पाकिस्तान इकोनॉमिकली बहुत वीक है। वर्ल्ड इज़ ऑल अबाउट इकॉनमी। एक ब्रिटेन प्राइम मिनिस्टर थे डेविड कैमरॉन, उन्होंने एक दफ़ा कहा था कि इट इज़ इकॉनमी विच इज़ गोइंग टू डिटरमाइन एवरीथिंग। तो इकोनॉमिकली जब तक पाकिस्तान स्ट्रेंथन नहीं होता है तो पाकिस्तान की कोई डिप्लोमेसी की कोई वर्थ नहीं है इंटरनेशनल वर्ल्ड में। ऐसे ही है, मैं इस चीज से देखें, ये बड़ी जबरदस्त बात की है कि हम आपस में घर बैठ के जितने मर्जी नारे लगाते रहे, ये कहते रहे पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बेहतरीन पाकिस्तान है, नो डाउट हमारे लिए है, इनके लिए भी होगा, दिल में उतनी ही मोहब्बत है, लेकिन अगर रियलिटी देखी जाए इंटरनेशनल लेवल से अगर हम देखें तो पाकिस्तान की इस टाइम जो इकोनॉमिकल सिचुएशन है उसको देखते हुए हमारी इस टाइम वर्थ नहीं है। हम कैसे वर्थ बना सकते हैं, मैं और आप, हम जैसी यूथ कैसे पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कुछ कर सकते हैं? बेहतरी ये कर सकते हैं कि जो इकोनॉमिकली पाकिस्तान को इतना एम्पावर करें कि उसकी एक इंटरनेशनल वर्ल्ड में सेव। जब तक हमारी इकोनॉमी ठीक नहीं होगी हम कुछ भी नहीं कर सकते, ये एक बड़ा रियलिस्टिक फैक्ट है। इंडिया आज ग्लोबल मार्केट बनी है, क्यों बनी है? इकोनॉमिकली उन्होंने इन्वेस्ट किया। उन्होंने कैसे बनाई? उनके भी हालात ठीक नहीं थे। मैं बहुत से लोगों से इंटरव्यू में ये पूछता हूँ कि आज हम इंडिया की एग्जांपल देते थकते नहीं है, हर चीज में, इकॉनमी में, आईटी में, मेडिकल में, इंडिया देखो, इंडिया देखो, इंडिया देखो। वो कैसे इंडिया को कैसे ग्रो किया? इकॉनमी में एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सिंस इंसेप्शन आप पाकिस्तान को देख लें कि इतनी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रही है हमारी कंट्री के अंदर कि कोई गवर्नमेंट अनफॉर्चुनेटली आज तक कोई भी प्राइम मिनिस्टर 5 ईयर टर्म पूरी नहीं कर सका। असैसिनेशन हुई हैं, जुडिशियल मर्डर्स हुए हमारे प्राइम मिनिस्टर्स के। तो इंडिया को आप देखें कि सिंस इंसेप्शन सारे प्राइम मिनिस्टर्स ने अपना टर्म पूरा किया, उनके उन्होंने कोई ऐसी चीज़ फेस नहीं की जो पाकिस्तान ने फेस किया। आई होप यू आर फैमिलियर विद देम। उनकी सोच में फ़र्क है, हमारी सोच में फ़र्क है, विजन में फ़र्क है, क्योंकि देखें 1947 से पहले वही सियासतदान थे, वही सारे अदारे थे, आर्मी भी सेम थी। आपको मेरे से ज़्यादा पता होगा, पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं। तो फिर कहाँ पे चेंज आया, कहाँ पे हमारी सोच बदली, कि या फिर हम अपनी बदली सोच के साथ ही अलहदा हुए और इसकी वजह से ही हम जो उनसे आज इस कंडीशन में? देखें जितनी पाकिस्तान की सोसाइटी आज पोलराइज है ना, मैं नहीं समझता कि हिस्ट्री में वो कभी थी। हमारे अनफॉर्चुनेटली
जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो उनमें कंसेंसस ही नहीं है कि वो बैठ के नेशनल इंटरेस्ट की बात कर सके। दे आर डूइंग देयर पेटी पॉलिटिक्स, वो लेग पुलिंग कर रहे हैं। आज तक वो अगठे नहीं बैठ सक रहे। क्यों नहीं बैठ सक रहे? क्योंकि उनके उनके नज़दीक नेशनल इंटरेस्ट कोई प्रायोरिटी नहीं है। ठीक है, जब तक हम नेशनल इंटरेस्ट को प्रायोरिटाइज नहीं कर सकते, आई डोंट थिंक सो पाकिस्तान इज गोइंग टू विटनेस एनी इकोनॉमिक बूस्ट। दैट्स अ वेरी क्लियर थिंग। अच्छा, अभी जो फॉरेन मिनिस्टर हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, आपको क्या लगता है कि वो जाएंगे? अनाउंस तो हो चुका है कि वो जाएंगे एससीओ की मीटिंग में, जो फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग है, ठीक है, और G20 या एससीओ की जो मीटिंग है उसमें जो जाएंगे, क्या कोई फायदा होगा ऐसा? क्यों नहीं फायदा होगा? मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए एक सिर्फ ये फॉरेन डिप्लोमेसी एक चैनल नहीं है। आप क्रिकेट डिप्लोमेसी को ले लें, आप इकोनॉमिक इंगेजमेंट करें, इनके पीपल कनेक्शन, एग्जैक्टली आप इन चीज़ों को एस्टैब्लिश करें। और मैं समझता हूँ कि एक ऐसा टाइम आना चाहिए लाइक यूरोपियन कंट्रीज, यहाँ पर भी एक एशियन यूनियन होनी चाहिए जिसमें कंट्रीज ओपन होनी चाहिए और ट्रेड करें। एग्जैक्टली, क्योंकि हमारे एंसेस्टर्स दे वर सेम, वी हैड द सेम ब्लड एंड स्टिल वी हैव। ऐसी सोच को हमें प्रमोट करने की जरूरत है, और जब तक पाकिस्तान में यूथ ऐसी सोच नहीं रखेगी, ये नफरतें खत्म नहीं करेगी, आगे बढ़ने की सोच, डेवलपमेंट की, मिलके इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने की, एजुकेशन को बेहतर करने की सोच नहीं रखेगी, शायद हमारा अपना ही नुकसान होगा। ना तो इंडिया का नुकसान होगा, ना चाइना का, ना किसी और का नुकसान होगा। तो पाकिस्तान का बहुत शुक्रिया भाई, अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? जैन जावेद। क्या करते हैं? मैं डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल कर रहा हूँ। जबरदस्त, बड़ी अच्छी बात है। आज का टॉपिक भी आपसे रेलिवेंट है, अगर पॉलिटिकल बात सिनेरियो से देखें तो इस टाइम जो पाकिस्तान के रिलेशन है चाइना के साथ, चाइना के रिलेशन है इंडिया के साथ, और फिर इंडिया के रिलेशन है पाकिस्तान के साथ, इनको ओवरऑल अगर देखें, अभी एससीओ की मीटिंग हो रही है जिसमें चाइना के डिफेंस मिनिस्टर इंडिया में मौजूद हैं, और इंडिया के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने उस तरीके से उन्हें हैंडशेक नहीं किया, मतलब एक वार्म वेलकम जैसे दूसरों को किया वैसे नहीं किया। आपको नहीं लगता कि इंडिया अब इस टाइम पे अपनी टेरिटरी को लेके, खासतौर पे लद्दाख को लेके बहुत सीरियस है चाइना के मामले में, और पाकिस्तान का क्या रोल है अभी? इंडिया तो सिर्फ लद्दाख को नहीं, वहाँ पर तो वो चिकन नेक का भी इशू है, जो उनके नॉर्दर्न स्टेट्स हैं उनमें भी वो बड़ा सीरियस है। वहाँ पर कुछ रेलवे ट्रैक्स हैं, वो वहाँ पर हमने रेलवे ट्रैक्स बना रहे हैं ताकि उनकी आर्मी की जो ट्रांसपोर्ट है उसको बेहतर, कम्युनिकेशन को बेहतर बनाया जा सके। और अगर हम अपने इश्यूज पे देखें तो पाकिस्तान के बीच में क्या रोल? पाकिस्तान का ये रोल है कि पाकिस्तान ने पहले तो कश्मीर पे ग्राउंड लूज किया है, उसके बाद इन्होंने गिलगित बल्तिस्तान पे भी ग्राउंड लूज कर रहे हैं। अब वो पहले कह रहे थे कि ये कह रहे थे कि हमने कश्मीर लेना है, तो अब कह रहे हैं कि हम कश्मीर तो हमारा था ही, ठीक है, इंडिया वाले अब ये कह रहे, हाँ अब हम गिलगित बल्तिस्तान भी लेंगे और बलूचिस्तान को हम आज़ादी भी दिलवाएंगे। ये अक्सर हमें बात सुनने में आती है। और बलूचिस्तान में क्या, आपको क्या लगता है, अगर आपके साथ स्टूडेंट्स रहते हैं जो बलूचिस्तान से बिलोंग करते हैं, या ओवरऑल एज ए पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट, क्या समझते हैं बलूचिस्तान में भी आज़ादी की आवाज़ें उठ रही हैं? बलूचिस्तान में भी आज़ादी की आवाज़ें तो काफ़ी उठ रही हैं। अभी रिसेंटली पाकिस्तानी आवाम को तो ज़्यादा पता नहीं चलता क्योंकि इस पर उतना कॉन्टेंट है नहीं है मीडिया, चीज़ों पर तो बात करती नहीं मीडिया पर, दिखाया नहीं जाता। तो ये तो एक इंडियन ऑथर ही है, तिलक देवाशार, उनकी ये बुक है, ये बुक का नाम है पाकिस्तान दी बलूचिस्तान कोनंड्रम। तो ये बुक अभी मैंने रिसेंट, अगर आपको कहें कि आपने मतलब बिल्कुल इसका शॉर्ट क्या है इसके, इसमें इसकी हिस्ट्री के बारे में बताया गया कि किस तरह जिनाह साहब जो खान ऑफ कलात के लीगल एडवाइज़र थे, पहले उन्होंने उनका केस इसी तरह उन्होंने आगे एडवोकेसी की कि जो बलूचिस्तान है वो इंडिया की टेरिटरी का पार्ट ही नहीं है, लेकिन बाद में जैसे ही पाकिस्तान बन गया तो खान साहब ने एक्सेशन का डॉक्यूमेंट साइन करवाने का कहा खान ऑफ कला से, और वहाँ पे 4 मिलिट्री ऑपरेशंस हुए हैं जो कि अयूब खान के रिजीम से लेके जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने भी करवाया, उसके बाद ज़ियाल हक ने कुछ हद तक उनको फ्री हैंड दिया। उसकी वजह ये थी कि अफगानिस्तान में जिहाद होना था और वहाँ से रेफ्यूजीज़ इधर आने थे। अब मेजर जो बलूचिस्तान में इशू है वो वहाँ की पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन में क्या है कि वहाँ पे जो रेफ्यूजीज हैं अफगानिस्तान से आए हैं उनकी रेशो बड़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से वो वहाँ पे आइडेंटिटी क्राइसिस होंगे, बलूचिस्तान के जो लोग हैं वो माइनॉरिटी में चले जाएंगे। अच्छा, मैं तो हिस्ट्री को इतना जानता नहीं, इतना नॉलेज नहीं है मुझे, लेकिन थोड़ा सा एक क्वेश्चन अगर करूँ, और आप तो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, बलूचिस्तान को लेकर बुक भी पढ़े, मुझे बताएं पाकिस्तान ने बलूचिस्तान को बंदूक के सर पे लिया या फिर वैसे ही मतलब अपना हिस्सा बना उसका? मेरा ये ख्याल नहीं है कि पाकिस्तान ने, अगर हाँ जो डॉक्यूमेंट का वो साइन करवाया था पाकिस्तान वो गलत था, अगर वो आपके साथ नहीं रहना चाहते थे तो आपको बाय फोर्स उनको नहीं लेना चाहिए था, ठीक है, अगर फोर्स लिया गया बाय फोर्स ही है कि जिस तरह हम बात करते हैं कि हमने कश्मीर को लिया है, तो
इंडिया से जो आवाज आती है वो कहते हैं आपने भी तो बलूचिस्तान को लिया है, ठीक हो गया ऐसे ही। तो चाइना के ऊपर आते हैं, ये थोड़ा सा हॉट टॉपिक है जो हम डिस्कस कर रहे हैं, इसे यहाँ पे क्लोज करते हैं। चाइना के हवाले से बात करते हैं, क्या समझते हैं कि चाइना पाकिस्तान को यूज करता नजर नहीं आता, खासतौर पर इंडिया के साथ रिलेशन के मामले में, कि खुद वो अपनी मीटिंग्स भी कर रहा है, खुद उनके फॉरन मिनिस्टर हों, उनके डिफेंस मिनिस्टर हों, इंडिया में जा रहे हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं, रिलेशन काफी हद तक ट्रेड के मामले में बेहतर है, हमारी ट्रेड भी बंद है, हमारे कोई मिनिस्टर भी नहीं जा रहे और हम जो है वो आगे फ्रंट लाइन में हम आए हैं जी, ठीक है, इक्वालिटी बेस पे रिलेशन नहीं है। इक्वालिटी बेस पे चाइना, तो चाइना अब यूएसए को डोमिनेट करने वाला है, वो इसी तरह करने वाला है, उसने अपने कंट्रीज चाहे उसके वो एनिमी कंट्रीज हैं, रिलेशन ट्रेड नहीं उसने ख़त्म होने दी। हमारे अभी वो बिलावल साहब थे, उन्होंने वो मोदी को कहा है कि बचर ऑफ गुजरात, ये वर्बली ना बड़ा वो हीरो बनने की कोशिश करते हैं, ये स्पीचेस इस तरह की तब देते हैं जब इनको इलेक्शन कैंपेन में इनको वोट चाहिए होता है। ठीक हो गया, रिसेंटली जैसे अभी उन्होंने, आपने जिस स्टेटमेंट की बात की है, अभी रिसेंटली शेख रशीद साहब ने भी एक स्टेटमेंट दिया कि हम जो उनसे वो बिरला के मंदिरों में घंटियां बजना बंद हो जाएंगी, ऐसे मसाले हैं, सुने होंगे आपने, ऐसी स्टेटमेंट से होना कुछ भी नहीं, इंडिया का कुछ नहीं होना, हमारा नुकसान नहीं होता, मतलब रिलेशन खराब हो जाना, इंटरनेशनल इमेज खराब हो जाना, वो तो इंडिया वाले तो आपको कंसीडर ही नहीं करते। वहाँ पे तो मर्सिडीज़ बन रही है जो इलेक्ट्रिक चार्ज पे मर्सिडीज़ है, 890 किलोमीटर वो एक चार्ज पे 850 किलोमीटर वो एक चार्ज में कवर करेगी, और पाकिस्तान में यहाँ पे इंडस्ट्रीज बंद हो रही हैं, यहाँ से जो ऑटोमोबाइल कंपनीज हैं वो यहाँ से बाहर जा रही हैं, बाहर इसलिए जाएंगी क्योंकि कंट्री तो डिफॉल्ट होने वाला है, यहाँ पे जो कोई भी इतने इंस्टीट्यूशन वो स्ट्रॉन्ग ही नहीं है, डेमोक्रेसी हमने कभी होने नहीं दी है। अच्छा, जैसे आपने बोला अब इंडिया के लिए पाकिस्तान उस तरीके से मैटर नहीं करता, आपने ये बात की, लेकिन पाकिस्तान में तो हर बात, चाहे वो डिफेंस के रिलेटेड हो, चाहे वो पॉलिटिक्स के रिलेटेड हो, चाहे वो इलेक्शन के रिलेटेड हो, चाहे वो यहाँ पे कोई भी मसला मसाइल हो जाए, कोई धमाका हो जाए, हम हर बात में इंडिया को ले आते हैं, क्या हम भी बजाय हर चीज़ में तनकीद करने के, इल्ज़ाम लगाने के, अपने ऊपर फोकस करें तो ज़्यादा बेहतर नहीं? अपने ऊपर फोकस अगर ये अब भी ना करेंगे तो इनका हाल आपने देख ही लिया है। इंडिया इसलिए नहीं कंसीडर करता क्योंकि पाकिस्तान से वो मुकाबला नहीं कर रहा, अब उसका बनता, ज़ाहरी बात बनता ही नहीं है। 90s में हम आगे थे, ठीक है, लेकिन उन हम किस लिए आगे थे, हमें डॉलर्स मिलते थे। अच्छा। डॉलर्स हमें अयूब के रीजन में भी मिले हैं, अयूब साहब ने। इसमें आपने बोला हम आगे थे, वो किस सेंस में आगे थे, जीडीपी बेहतर थी, इकॉनमी बेहतर थी, मुझे तो इस चीज़ का नहीं पता कि 90s में हम आगे थे। वो तो शॉर्ट टर्म के लिए जीडीपी हमारी बेहतर थी, उसमें बाद में जो रिजीम आते रहे हैं, रिजीम ने बड़ा हमें नुकसान पहुंचाया है। रिजीम में नो डाउट के डेवलपमेंट भी बढ़ी हुई है, लेकिन उसकी वजह ये है फॉरेन एड बढ़ी आई है, हमने अफगान जिहाद में अपनी आर्मी भेजी है, उसकी वजह से यहाँ पे टेररिज्म की जो वेव आई है उसके आप देख लें, आप कहीं भी वजीरिस्तान में हमारे सोल्जर्स भी मर रहे हैं, लेकिन उसका फायदा यही है कि आम आवाम भी मर रही है और सोल्जर्स भी मर रहे हैं। ये नहीं चीज़ नज़र आती कि हम शॉर्ट टर्म फायदा देखते हैं, हमने अगर आपने अफगानिस्तान के ऑपरेशन की बात की, हमने अपने आर्मी को वहाँ पे भेजा, इसके अलावा और बहुत सी जगह पे हमने किसी की जंग में इन्वॉल्वमेंट की और अपना नुकसान लिया, इवन रशिया यूक्रेन की वार में भी हमें न्यूट्रल रहने से मतलब हम फिर भी कहने में ये आता है कि यूक्रेन को कहीं ना कहीं हम सप्लाई कर रहे हैं, आर्म सप्लाई कर रहे हैं, हम क्यों वक्ती तौर का फ़ायदा देखते हैं, एक दिन का, दो दिन का, दस दिन का फ़ायदा देखते हैं, लॉन्ग टर्म फ़ायदा नहीं देखते अपने? इसके लिए तो आम आवाम तो फैसले नहीं करती कि आपने किसी की जंग लड़नी है, ये तो आपको भी पता है, सब आवाम को पता है कि फैसला कौन करता है कौन नहीं करता। अच्छा, अभी आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, हम हैं यूथ हैं, हमने पाकिस्तान की सोच को बदलना है, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करना है, ऐसा क्या किया जाए कि सोच बदले, नफरतें ख़त्म हों, इंडिया पाकिस्तान या कोई भी कंट्री है, पाकिस्तान अफगानिस्तान सब को लेकर नफरतें हम ख़त्म करें और अपने ऊपर फोकस करें? मेरे तो ख्याल में सबसे बेस्ट है कि एजुकेशन सिस्टम को एक बेहतर बनाया जाए, और दूसरा ये कि डेमोक्रेसी के लिए काम किया जाए, उसके लिए ये ज़रूरी होगा कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको अपनी डोमेन में रहना होगा चाहे वो आर्मी का इंस्टीट्यूशन है या वो ब्यूरोक्रेसी का है या जुडिशरी का है, इन सब को अपनी डोमेन में रह के काम करना है। अगर ये काम नहीं करेंगे तो पाकिस्तान का जो 75 years में जो हाल हो गया है, और रिसेंटली कुछ ही साल और होंगे कि अल्लाह ना करे लेकिन यह कि जो सिचुएशन नज़र आ रही है आगे आने वाला टाइम बहुत मुश्किल हो सकता है। ये जो इनके ऑथर हैं इस बुक के, इनका क्या नाम है, इंडियन ऑथर हैं, तिलक देवाशेर हैं, इंडियन ऑथर हैं, इनकी 4 books हैं। इनकी कितनी बुक्स हैं? इनकी 4 books हैं, एक पश्तूनी हिस्ट्री पे है, एक बलोचों की हिस्ट्री पे है, और इसके अलावा 2 books हैं इनके, एक फॉरेन पॉलिसी के रिलेटेड आई थिंक। हमारे यहाँ पे तो ये कहा जाता है कि इंडिया में जो होता है, जो पाकिस्तान के रिलेटेड जो भी कोई बात लिखता है या खबर करता है या कोई बुक लिखता है तो वो ऑथेंटिक नहीं होती, आप इसे ऑथेंटिक समझ के पढ़ रहे हैं या फिर एक नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं?
आप समझते हैं कि इसके अंदर जो लिखा है वो हिस्ट्री रियल है? वो रियल है हिस्ट्री, ये तो पाकिस्तानी ऑथर्स भी इसका, ये आप इसकी बैक पे देख सकते हैं, यहाँ पे रिव्यूज नहीं लिखे हुए लेकिन काफी पाकिस्तानी ऑथर्स ने इस बुक को रिकमेंड किया हुआ है। रिकमेंड इसलिए किया हुआ है, इसमें सारी चीजें वही लिखी हुई हैं जो जिनाज साहब जो लीगल एडवाइजर थे उन्होंने केस भी प्रेजेंट किया था और बाद में वो सारी जो डॉक्यूमेंट था एक्सेशन का वो भी साइन करवाया, तो ये सारी चीजें तो हमें देखने में मिलती हैं, ये तो हिस्ट्री में नहीं है। हमारी मीडिया पे क्यों नहीं आती यही चीज जो रियल हिस्ट्री है? हम एक बुक्स में जो हमारे सिलेबस है, टेक्स्ट बुक्स है पाकिस्तान के स्कूल में, उनमें क्यों नहीं आती ये? हमें ढूंढ ढूंढ के क्यों पढ़नी पड़ती है? ढूंढ ढूंढ के इसलिए पढ़नी पड़ती है, हिस्ट्री तो सच सबको दिखानी चाहिए, बतानी चाहिए, क्योंकि मेरा जो ताल्लुक है वो एक देहाती इलाके से है। जब तक बंदा किसी डेवलप्ड सिटी में नहीं आता ना, लाहौर में नहीं आता, तो बंदे को इतना रुझान नहीं होता कि बुक्स पढ़ी जाए। जब यहाँ पे आता है तो उसको हर चीज़ अवेलेबल मिलती है। इसका ये है कि हमें अपने सिटीज़ को बेहतर बनाना होगा, एजुकेशन सिस्टम को बेहतर बनाना होगा, यही सच जो उनसे, अगर हम इसको सच मानते हैं और सच को सच मानना चाहिए, इसी में हमारी बेहतरी है, तो इन्हें अपनी टेक्स्ट बुक्स में भी शामिल करना चाहिए। टेक्स्ट बुक्स में हम ये पढ़ते हैं कि ये दुश्मन वो दुश्मन, और जब हिस्ट्री पढ़ते हैं तो फिर हम कन्फ्यूज खुद हो जाते हैं। बुक्स पढ़नी चाहिए, बुक्स पढ़ के ही पता चलता है कि इनमें जो इन्फॉर्मेशन है वो बायस्ड तो नहीं है, अगर बायस्ड है तो क्यों बायस है। और इंटरनेशनल ऑथर्स की बुक्स पढ़नी चाहिए ताकि हमें पता चले कि बायस काम क्या होता है और अनबायस काम क्या होता है, या बुक्स कैसे लिखी जाती है। अब जो बलूचिस्तान का इशू है, मुझे नहीं लगता कि उस पर कुछ ज्यादा इतनी बुक्स हैं, बुक्स लिखी नहीं गई हैं, और जो लिखी जाती हैं वो पब्लिश नहीं करवाई, पब्लिश नहीं होती। इसी तरह वो 71 की एक रिपोर्ट थी, मैं हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट, वो अभी तक उसकी ओरिजिनल कॉपी मंजर आम पे नहीं है। बहुत सी चीजें हैं, मैं कहता हूँ अगर ऐसे बंदे के साथ, ऐसे स्टूडेंट के साथ हम इंटरव्यू करें शायद एक घंटा लगे, हम बहुत सी चीजों को डिस्कस करें, ऐसी बुक्स के ऊपर अगर हम इंटरव्यूज करें जो रियलिटी बेस हैं, जो कि करें, तो बहुत सी चीजें हैं जो कि हमें सामने ला सकते हैं। लेकिन टॉपिक की तरफ आते हैं और फिर वाइंड अप करेंगे। क्या आपको लगता है कि एसईओ की जो मीटिंग हो रही है, हमारे भी यहाँ से किसी को, मिनिस्टर को जाना चाहिए था वहाँ पे पार्टिसिपेट, क्योंकि हम भी मेंबर हैं वहाँ पे, हम पार्टिसिपेट करते, रिलेशंस बेहतर होते। मुझे वो किस तरह जाएंगे, पहले यहाँ पे आपको वो जो टीटीपी सपोर्टर्स थे उनकी सपोर्ट को बैकफुट पे जाना पड़ेगा, तालिबान की सपोर्ट पर आपको बैकफुट पे जाना पड़ेगा, स्टेटमेंट्स पे गौर करना पड़ेगा कि कहीं हम बुचर कहते हैं और कहीं फिर हम रिलेशन बेहतर करने की। आप अमेरिका को, इमरान खान साहब ने भी अच्छी खासी वेव चलाई थी कि वो साइफर आया, वो खुद ही कह रहे हैं कि मैंने जनरल बाजवा से कंसीडर किया था सारा, तो भाई आप क्यों कंसीडर कर रहे थे जनरल बाजवा से।